मीना तू तू कैसी बाहर है? चार दिन पहले तू बच्ची को मेरे पास छोड़कर गई और तू गायब है। मैं तो आज सुबह ही अपनी बच्ची को आपके पास छोड़ के गई थी ना। आज सुबह नहीं गई थी तू, चार दिन पहले कस्तूरी को मेरे पास छोड़कर गई थी तू। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जिंदगी के चार दिन गायब है और आपको मालूम भी नहीं, तो आपको यकीन होगा? नहीं, या तो लगेगा आपको ये मजाक है या तो प्रैंक। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। उस वक्त मेरी पोस्टिंग अलीबाग के थाना में थी और मेरे पास दो केस आ गए। एक केस में लड़की का मर्डर हो चुका था और दूसरे केस में एक लड़की गायब थी चार दिनों से। जब इन दोनों केस का सच हमारे सामने आया तो हमारे होश उड़ गए। गोविंद, अरे कस्तूरी रो रही है, देखना उसको। चावल तो खत्म था ही, आटा भी खत्म हो गया, रोटी कैसे बनाओ? में घुसे रहने से घर नहीं चलता, खाने को रोटी तक नहीं है। मैं कब तक लोगों से उधार मांग मांग के घर चलाऊंगी? एड़ी है क्या रे तू? काय तो चिल्ला रहे बेटे के सामने? तेरे को भी पता ना मैं काम ढूंढ रहा हूँ। अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? किससे काम मिलेगा तेरे को? तू जा अपना काम कर, जा घर में खाना नहीं बोल के मेरा दिमाग मत खा, जा अपना काम कर। कैसा बेशरम आदमी है, इसको तो किसी बात पे फर्क ही नहीं पड़ता। कसूर उसका नहीं, मेरा है। अरे मीना, कशी है तू? बरी है आशा ताई। ताई वो 200 रुपये उधार दो ना, वो घर में आटा खत्म हो गया है। मैंने भाजी बना ली थी, रोटी बनाने गई तो देखा आटा ही नहीं है। वो पुराने वाला उधार याद है मेरे को? मैं वो डायरी में लिख के रखी है। गोविंद को नौकरी लगेगी ना तो एक साथ सब लौटा देगी। पर वो अभी 200 रुपये मिल जाते तो ताई मेरे पास भी कहाँ रहते हैं हमेशा। खैर तू यही रुक, मैं देखती हूँ कितना दे सकती हूँ। मीना तू गोविंद को बोलती क्यों नहीं है कि वो कुछ काम वाम करे? घर पे बैठने से कोई काम देने घर पे थोड़ी आएगा। हाँ ताई, वो उसका दोस्त बोल रहा था, उसने भी बोला कि 2-4 दिन में काम मिल जाएगा उसको। ले ये पकड़, ये 200 है, पहले के 800, 1000 हो गए। हो ताई, मैं लौटा देगी आपको सब। शेठ से बात की है मैंने, तेरे को ना मुंबई जाना पड़ेगा पार्सल लेने। क्या? हाँ, 2-4 दिन का काम होगा, अगर तू सब काम ठीक किया तो तेरी नौकरी पक्की, समझ? अरे लेकिन मुंबई अभी जाना पड़ेगा ना, तो भी जाओ क्योंकि काम तो चाहिए, घर कैसा चलेगा, कौन कब तक हम लोगों को उधार देगा। जगदीश भाव, मैं तो कहती हूँ ना आप भी इनके साथ जाओ, पता नहीं अकेले काम ढूंढेंगे या नहीं। क्या भाभी बहुत भड़की हुई है? ये खाली है क्या तेरी? बिल्कुल। वैसे एक और काम है, उधर से पैसा भी जल्दी मिलेगा। कौन सा? देख तू तो जानता ही है मैं जिस बंगले की देखभाल करता हूँ, मेरा सेठ दुबई रहता है, उसे हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए काम करने वाले की जरूरत है। अगर मीना भाभी ये काम करने को तैयार हो जाए तो मैं आगे बात करता हूँ। बोल क्या बोलता है? क्या काम पकड़ा है तूने? ज्यादा कुछ नहीं है ताई, हफ्ते में एक दिन वो बंगले की साफ सफाई करनी है। अभी जाती हूँ और शाम को वापस आ जाऊंगी। ताई रो रही है, इसको थोड़ा खाना दे देना, ठीक है? इसमें इसका खाना है, दूध है, सब कुछ है, आप इसको संभाल लेना, शाम तक मैं आती हूँ। इसका टेंशन मत करिए, घर पे ही है, कस्तूरी और मैं बहुत मजे करेंगे, तू जा काम पे। ये लो पैसे। अरे बाप रे बाप, कितना बड़ा घर है ये। अरे देवा रे देवा, ये घर है कि महल है? मस्त है।
मस्त टीवी है। मीना येड़ी है का तू? ये सब देखने में टाइम निकल जाएगा तो काम कब करेगी? रात हो गई। सिर भी दुख रहा है। मीना तू कैसी बाहर है? तेरे को कुछ शर्म गरम है या नहीं है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चार दिन पहले तू बच्ची को मेरे पास छोड़कर गई और तू गायब है। चार दिन कैसे हुए? मैं तो आज सुबह ही अपनी बच्ची को आपके पास छोड़ के गई थी ना। दिमाग खराब है क्या तेरा? आज सुबह नहीं गई थी तू, चार दिन पहले कस्तूरी को मेरे पास छोड़कर गई थी तू। चार दिन? और कितना फोन किया मैंने तुझे, तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। तेरा मर्द आया मुंबई से अभी दोपहर में और शाम को बच्ची को लेकर गया। पागलों की तरह ढूंढ रहा है वो तुझे। पैसा किधर से आया? कहां से लाया पैसा? 2000 रुपया? कहां से आया है 2000 रुपया? सॉरी, मेरे पीछे अभी ये धंधा शुरू किया तूने? बंगला साफ करने गई थी या पैसा कमाने गई थी तू? बोल कहां से आया पैसा? शब्द को मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा? और समझ में नहीं आ रहा कि चार दिन कैसे हो गए। आज सुबह ही तो बंगले पे गई थी मैं। अरे ये ना समझा क्या मेरे को तू? हाँ, चार दिन के बाद तू लौटेगी और कुछ भी बोलेगी मेरे को और मैं यकीन कर लूंगा। नहीं, तेरे को अभी ऐसा नहीं याद आएगा। तेरी सारी चर्बी निकालता हूँ मैं, तब तेरे को बराबर याद आएगा। बता मेरे को किधर से आया पैसा? मुझे सचमुच कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं है? मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है उधर। क्या गलत हुआ तेरे साथ? मतलब? मतलब जब मैं सो के उठी ना, तब मेरे कपड़े ठीक नहीं थे। मुझे लगता है कि कोई तो जबरदस्ती किया है मेरे साथ, कुछ तो भी किया है मेरे साथ। गोविंद, मुझे ना पुलिस स्टेशन लेके चलना, मेरे को कंप्लेन लिखवानी। चुप सारी, मुंह काला करके आ रही है और मेरे को झूठी कहानी बोल रही है तू? कंप्लेन करेगी, इधर ही पड़ी रहे ना, बाहर निकलेगी ना तो तेरी जान दे दूंगा मैं, समझे ना। उनको आने में टाइम लगेगा। नहीं, बट उनसे ही मिलना था मेरे को, तो उनसे ही मिलना था। ठीक है, तुम्हें देते बसून वाट बगा। चलो चलो साइड हटो, चलो चला पीछे चला। पाटिल, बॉडी को सीधा करो। सीधे
गले में चेन वैसी है, इयररिंग्स भी है, इसका मतलब ये मामला लूटपाट का नहीं। पंडित तेरा आसपास देखो कुछ मिलता है। ये देखो एक गले पे निशान है, मतलब गला दबा के मारा है। पोस्टमार्टम के बाद तो बाकी सब पता चलेगा। बॉडी को भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। सर वहां पर ये पर्स मिला है, इसमें एक मोबाइल है, कुछ मेकअप का सामान है, कुछ पैसे और सर ये आधार कार्ड मिला है। सर लड़की का नाम गुंजन पेडनेकर है, भरत सिंह कॉलोनी 43/42 अलीबाग। लड़की की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। और इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन भी चेक करो। नमस्कार साहब। सर ये औरत कंप्लेंट लिखवाना चाहती है। वो क्या मुहूर्त वक्त है, क्यों गया? जी सर मैंने उनको बोला कि मैं कंप्लेंट लिखवा दूँ, पर वो आपका इंतजार कर रहा है, आपको ही मिलना चाह रहे हैं। हाँ बताइए क्या कंप्लेंट है आपकी। साहब अभी ना 6 दिन पहले मेरे पति के दोस्त घर पे आए थे। मैं जिस बंगले की देखभाल करता हूँ मेरा सेठ दुबई रहता है, उसे हफ्ते में एक बार साफ सफाई के लिए काम करने वाले की जरूरत है। अगर मीना भाभी ये काम करने को तैयार हो जाए तो मैं आगे बात करता हूँ। बोल क्या बोलता है तू? हाँ करेगी ना वो। अरे जब तक मेरा काम शुरू नहीं होता तब तक तो करेगी ना। हाँ कर लेगी, मैं कर लेगी। ठीक है फिर मैं बात करता हूँ अपने सेठ से। लेकिन मैं मुंबई जाऊंगा और तू भी उधर जाएगी तो बच्चे को कौन संभालेगा रे? बच्चे का क्या करना है ना मैं देख लेगी, तू ना बहाने बनाना बंद कर और काम कर। तू 4 दिन पहले कस्तूरी को मेरे पास छोड़कर गई थी। तू कहां से आया है 2000 रुपया? कोई लाल कमीज वाला आदमी था, उसका चेहरा याद नहीं मेरे को, और एक खाकी वर्दी कोई तो आदमी था उसके साथ। साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। साहब पिछले 4 दिनों से आप कहाँ थी, आपको कुछ याद नहीं? नहीं साहब। आपके साथ 4 दिनों में क्या हुआ वो भी कुछ याद नहीं? नहीं। ये बात आपने आपके पति से कही? हाँ मैंने बात की लेकिन उसको मुझ पर यकीन ही नहीं। शिरके इनका स्टेटमेंट लो। पाटिल मैडम यहाँ घूम जाए मेडिकल जाइए। शिरके इसके पति को और बेंगलोर का केयर टेकर जगदीश को बुला। ठीक है सर। एक केस को डिस्कस करते हुए हम पुलिस स्टेशन में जा ही रहे थे कि दूसरा केस सामने आ गया। एक केस था लड़की के मर्डर का और दूसरा केस था मीना का, जिसके जिंदगी से 4 दिन गायब थे। हाँ 4 दिन गायब थे, और उन 4 दिनों में उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ याद नहीं था, सिर्फ धुंधला सा याद आ रहा था कि उसके साथ रेप हुआ है। कितना भयानक है एक लड़की के जिंदगी से 4 दिन गायब हो जाना, हम सोच भी नहीं सकते। शुरू में लग रहा था कि ये दोनों केस अलग हैं, लेकिन जैसे जैसे हम केस की जड़ तक जा पहुंचे तो समझ में आया कि दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसके जुड़ने की वजह बहुत ही घटिया और घिनौनी थी। साहब मैं ही वो बंगले की देखभाल करता हूँ, और मीना भाभी को मैंने ही वहाँ काम पर लगवाया था। तो तेरे को पता होगा ना वहाँ कौन आता है कौन जाता है क्या चलता है। साहब मैं ही सुबह शाम आता जाता हूँ नजर मारने, और सेठ तो दुबई में 2-4 साल में कभी कभार आए तो आए, नहीं तो नहीं आते, और कोई नहीं आता जाता नहीं है। तो वो 4 दिनों में मीना वहाँ नहीं दिखाई दी तुझे कभी? सब मैं और गोविंद मुंबई में थे 4 दिन से, इसके काम के सिलसिले में ही गए थे, और वो तो गोविंद को पैसे और काम दोनों की जरूरत है, इसलिए मीना भाभी को साफ सफाई के लिए मैंने वहाँ लगवाया था। अब मुझे पता होता कि मैं ही फंसूंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं करता साहब, और मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करने की सोची। सर तुझे क्या मानना? सर जगदीश खर बोलता है, हम दोनों भी मेरे काम के लिए मुंबई में थे, कल शाम को ही लौटे। पर साहब मैं तुम्हारा सांगता हूँ, इस औरत में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, एक नंबर की झूठी कहानी बता रही है आपको। नहीं साहब। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये झूठ बोल रही है? साहब एक नंबर की झूठी औरत है ये। आवाज वरना पूछो ना इसको।
पूछो इसको कि चार दिन के अंदर 2000 रुपए कहाँ से लाई है, नहीं जबकि उसको याद ही नहीं कि वो कहाँ थी, क्या हुआ उसके साथ। सर वो सब कुछ तो उसको धुंधला धुंधला याद है, पर 2000 रुपए कहाँ से आया यही याद नहीं। झूठी है सर ये, झूठी। आवाज खाली सांगे ना, सच क्या झूठ क्या हम पता करेंगे। एक बात याद रख, उसको तकलीफ दी मारा पीटा ना, अंदर करूंगा उल्टा लटका के मारूंगा, समझा। आवाज चढ़ा था फिर के सर, मीना को और ये जगदीश को लेके जाओ बंगले पे, अगर वहां कुछ कांड हुआ है तो क्लू तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर पूरा बंगला चेक किया लेकिन कहीं कोई एविडेंस नहीं मिला है। सिरके ये गोविंद और जगदीश के सीडीआर डिटेल्स निकाल, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है दोनों ने मिलकर कांड किया हो। ठीक है सर। सर जंगल में हमें जिस लड़की की लाश मिली थी गुंजन, उसके पेरेंट्स आए, भेज दो। पेडनेकर साहब, तुमची मुलगी 4 दिवसांपासून गायब होती और आपने मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई, क्यों? पहले थोड़ी पढ़ा लिया सर। मतलब? इससे पहले 10 बार भाग चुकी है, हमें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वापस आ जाएगी। आई एम सॉरी लेकिन आपके पास देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी लड़की या आपकी बहन मर चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल दुखी नजर नहीं आते आप। वो इसलिए क्योंकि हमें पता था कि उसके साथ एक न एक दिन ऐसा कुछ होने वाला है, बहुत समझाया था उसे, एक नहीं सुनी उसने, हमेशा अपनी जिद पूरी करनी होती थी उसे, ये उसे जिद का नतीजा है। जिद मतलब वो नवीन, उसी ने दिमाग खराब किया था उसका, पहले हमारा पैसा देखकर उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और अब जब उसे लगा कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला है तो मार दिया हमारी बच्ची को। ये नवीन का एड्रेस या फोन नंबर है आपके पास? नवीन? जी सर। इसे जानते हो? सर ये मेरी फ्रेंड गुंजन है सर। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? सर लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो सर, हुआ क्या है सर? उसकी डेड बॉडी मिली हमें। क्या सर? नहीं सर ऐसे मत बोलिए सर, सर मेरी गुंजन नहीं मर सकती। बैठो। नहीं सर। बैठो बैठो। अब ये सब बातें छोड़ो, अब सच सच बताओ गुंजन के बारे में क्या जानते हो? सर मैं उससे सर पहली बार कॉलेज में मिला, पहले हमारी दोस्ती हुई सर, फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन सर गुंजन के घर वाले मुझे पसंद नहीं करते। कॉलेज खत्म हुआ तो फिर हम उसके घर वालों से छुप के बाहर मिलने लगे। सर अभी 4 दिन पहले हम मिलने वाले थे पर क्या, पर सर मिल नहीं पाए क्योंकि। कहाँ तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे यार मैं ये श्रेयस होटल, बाइक पंचर हो गई है। अरे तो तुम्हें तो 1 घंटा लगेगा यहाँ आने में। एक काम करते हैं, जेएम कॉलेज के पीछे मिलते हैं, तुम वहाँ से और मैं यहाँ से दोनों आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। चलो ठीक है मैं आता हूँ। सर मैंने जेएम कॉलेज के पीछे उसका 2 घंटे तक वेट किया लेकिन सर वो नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, फिर सर मैं वेट करके अपने घर चला गया। क्यों तुमने कोशिश नहीं की जानने की वो क्यों नहीं आई? नहीं सर मुझे लगा कि उसको लेट हो रहा होगा तो वो अपने घर चली गई हो। सर मैंने फोन इसलिए नहीं किया कि सर अगर मैं कॉल करता और उसके घर वालों को पता चलता तो सर वो लोग सर प्रॉब्लम करते। क्या प्रॉब्लम करते? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फोन किया था तो। डार्लिंग तुम 2 मिनट और फोन ना उठाती ना तो मेरी जान निकल जाती। जान तो मैं वैसे भी तुम्हारी ले लूंगा अगर गुंजन का पीछा नहीं छोड़ा तो, जानते हो तुम मुझे। अंकल नहीं
अंकल आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। अंकल हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकल हम शादी करना चाहते हैं। औकात है तेरी मेरा दामाद बनने की? खबरदार इसका पीछा किया तूने तो। जिस दिन ऐसी मजबूरी आई ना जान से मार दूंगा तुझे और इसका भी गला घोट दूंगा। उस दिन के बाद वो जब भी घर पर होती थी तो मैं उसको फोन नहीं करता। ठीक है तुम जा। जी सर। केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर नहीं जाने का। जी सर। शिरके सर, ये गुंजन के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन चेक करो। गला दबा के मारने की धमकी शायद उन्होंने सच की हो। तो ये नवीन पे ध्यान रखो। सर, ये गोविंद और जगदीश का कॉल रिकॉर्ड। सर, ये गोविंद और जगदीश सच बोल रहे थे। ये चार दिनों तक मुंबई में थे। जिस दिन मीना बंगले पे गई और जिस दिन वो वापस आई उस दौरान ही वहीं थे। कमल पी। क्या देख रही? हाँ, तेरे च पैसे की 2000 रुपए कमा के लाई ना तू। तेरे च पैसे की दाम चल। ए, तू क्या देख रहा है? हाँ, पसंद है तेरे को? चाहिए तेरे को? हाँ, अरे चाहिए तो बोलना मेरे को। अरे नहीं बाबू, कैसे बात कर रहे हो आप? लगता है आपको दारू चढ़ गई है। अरे शर्मा क्यों रहा है कमल? तेरे को चाहिए ना तो मेरे को बोल। सिर्फ 2000 रुपए देने का और रात भर मजा लेने का इसके। आओ, काय बोलता है तुम्ही? अरे नहीं बाबू, नहीं चाहिए मुझे। अरे 200 रुपए सिर्फ। नहीं नहीं बाबू। साले फोकटिया, तो तेरे को क्या सब कुछ फोकट में चाहिए? चल निकल बाहर, निकल साले। काय करते हो तुम्ही? साला फोकट में चाहिए। ए, क्या देख रही है? हाँ, बुरा लगा तेरे को? दर्द हुआ? साला कस्टमर है क्या तेरा? हाँ, कस्टमर है। नवीन और गुंजन की रिलेशनशिप से आपको क्या प्रॉब्लम थी? यही कि ना वो हमारी जात का था ना औकात का। हम गुंजन के लिए अपनी बराबरी का लड़का चाहते लेकिन वो 2% के लड़के के चक्कर में फंसी। इसलिए आपने उसे गला घोट के मारने की धमकी दी। जब मारना होता तो अपनी बेटी को क्यों मारता? उस नवीन को मार देते। उससे में माँ बाप हजारों बातें अपने बच्चे से बोल देते। इसका मतलब ये नहीं वो सचमुच उनका बुरा चाहते। ठीक है, जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा। सर, आपको नहीं लग रहा है मोहन गुंजन के लिए दुखी होने का नाटक कर रहा है? कर भी रहा होगा लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं उनके खिलाफ। नजर रखो इन पे। अगर गुंजन का खून इन्होंने किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे। सर, गुंजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पढ़ो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 10 जून 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। मौत उसकी गला दबाने की वजह से हुई है लेकिन सर उसके गले पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। मतलब ये हो सकता है कि जिसने उसका गला दबाया उसने ग्लव्स पहने हुए थे। सर, उसके साथ लगातार 4 दिन तक रेप किया गया, वो भी अलग अलग आदमी ने, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर के कॉन्डम्स यूज़ किए गए। सर, ये रेप है लेकिन रेप जैसा दिख नहीं रहा क्योंकि सर उसकी बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। और सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसकी बॉडी पे सेलेस्ट्रॉन नाम का ड्रग मिला है। इस ड्रग को लेने के बाद इंसान को कुछ याद नहीं रहता। सर, इसी तरह का ड्रग हमें मीना की मेडिकल रिपोर्ट में मिला था इसीलिए शायद उसे भी कुछ याद नहीं था कि वो 4 दिन तक कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ। शिरके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गुंजन 4 दिन गायब थी, मीना भी 4 दिन गायब थी। गुंजन को ड्रग दिया गया था, मीना को भी ड्रग दिया गया था। गुंजन के साथ 4 लोगों ने रेप किया था और मीना को जितना याद है उसका कहना है कि 2 जन थे। फर्क सिर्फ इतना है, गुंजन को मार दिया और मीना को जिंदा छोड़ा। क्यों ये पता चल जाएगा लेकिन ये बात तो साफ है कि इन दोनों केस का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है और ये कनेक्शन क्या है ये हमें सिर्फ मीना बता सकती है। इस केस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे
कंफ्यूजन और सॉल्यूशन दोनों साथ चल रहे थे, दोनों केस का आपस में कनेक्शन था, लेकिन विक्टिम की परिस्थितियों को देखा जाए तो कनेक्शन नहीं लग रहा था। हाँ, ये बात तो सच थी कि गोविंद का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो तो मेल मेंटेलिटी का शिकार था, और इसीलिए मीना की बात साबित होने के बावजूद भी उसे सहारा देने के बजाय वो उसे नफरत कर रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मीना और गुंजन इन दोनों को ड्रग देके चार दिन तक किसने रेप किया, गुंजन को क्यों मारा और मीना को क्यों जिंदा छोड़ा? नहीं नहीं, उसको बोलो जल्दी काम करे, वो बहुत इतना ढीला करेगा ना तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा यार। दिस इज नॉट राइट, ही हैज टू बी प्रॉम्प्ट। आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू अगेन। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये मौसम चेंज हुआ है उसकी वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आप बैठिए सिस्टर। देखो मेरा काम था एडवाइस देना, वो मैंने दे दी है कि अभी शेयर बेचने का नहीं खरीदने का टाइम। भाई कल तो अजीत ने बोली 25,000 से शुरू की, लगता है भाभी जी में वो दम नहीं रहा। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था बटरफ्लाई का। अबे मेरी छोड़ अपनी सोच, मेरे पास तो स्टेपनी है पर तू तो ऐसे ही मरेगा। और मैंने कब रोका है तुझे, जितनी हिम्मत हो बोली लगा ले। ठीक है चलो फिर लगाते हैं 40,000। 40,000? 60,000। कोई है इससे ऊपर बोलने वाला? बोलो। क्यों राजन भाई, क्या बात है? आजकल धंधा कुछ मंदा चल रहा है, हाथ तो आपने बोली नहीं लगाई। 75,000। चलिए राजन भाई, बटरफ्लाई पे सबसे पहला हक आपका। तो इसी बात पे चीयर। चीयर। रास्ता साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं? आज तक अभी हुई है। चार आदमी थे जो क्लब चलाते थे और मासूम लड़कियों की बोली लगाते थे, उन्हें ड्रग्स देकर रेप करते थे, और इस वजह से इन लड़कियों को कुछ याद नहीं रहता था। मीना को जो धुंधला धुंधला सा याद आ रहा था उसमें दो आदमी थे, एक लाल शर्ट पहना हुआ और एक खाकी ड्रेस पहना हुआ। लाल शर्ट तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन खाकी वर्दी या तो रिक्शा ड्राइवर या तो गवर्नमेंट ऑफिस का प्यून या तो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी, तो कौन हो सकता है और उसने ऐसा क्यों किया, ये सोच के मेरा सर चकरा रहा था। सर नवीन के बयान के मुताबिक नवीन खड़ा था श्रेयस होटल के पास और गुंजन थी सिविल हॉस्पिटल के पास। नवीन ने गुंजन को कॉल करके जेएम कॉलेज के पीछे बुलाया। जेएम कॉलेज के पीछे मिलते हैं, तुम वहाँ से और मैं यहाँ से दोनों आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। सर अब सिविल हॉस्पिटल से जेएम कॉलेज के पीछे पहुँचने में लगभग आधा घंटा लगता है, वो भी तब जब खुद का व्हीकल हो, लेकिन गुंजन के पास कोई व्हीकल नहीं है। मतलब गुंजन ने जेएम कॉलेज पहुंचने के लिए किसी ऑटो का इस्तेमाल किया होगा। सर गुंजन के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से गुंजन ने नवीन से 10 मिनट बात की और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। मतलब ये गुंजन जेएम कॉलेज के लिए निकली तो थी लेकिन वहां पहुंची नहीं, कहां गई होगी? सर शिरके इस रूट पे कितने रिक्शा चलते हैं देखो, उनके ड्राइवर कौन है आरटीओ से पता करो, और हाँ इस मीना से क्रॉस वेरीफाई करो, देखो किसी ड्राइवर को पहचान दी है क्या जिसने उसे बंगले तक छोड़ा था, क्योंकि गुंजन और मीना की केस हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है सर। सर गुंजन का बॉयफ्रेंड नवीन आपसे मिलना चाहता है।
बोला। तुम्हें इतने दिनों के बाद याद आया कि गुंजन के मर्डर में उसके फैमिली का हाथ हो सकता है? सर शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन सर उस दिन मुझे ये बात याद ही नहीं आई, वरना सर मैं आपको बता देता। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, मेरी लाइफ मेरी है, आपने मेरे फोन को हाथ भी कैसे लगाए? ये मेरी पर्सनल चीज है, आप इसे नहीं छू सकती। तू हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाती रहे और हम तेरा फोन भी नहीं छू सकते? कितनी बार कहा उस कमीने से दूर आकर, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, उसकी तो जात भी हमारी। जात बिरादरी ये सब आपके लिए मायने रखती होगी, ये सब मैं नहीं मानती। मान तो तू भी जाएगी, बस मनवाना पड़ेगा तुझे। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगी? सर ये सब मुझे गुंजन ने ही फोन पर बताया, और सर कुछ टाइम बाद तो उन्होंने उसका फोन भी छीन लिया गया था। सर बहुत दिन तक हमारी बात नहीं हुई, तो फिर सर मुझसे रहा नहीं गया, और सर मैं हिम्मत जुटा के उससे मिलने उसके घर पर चला गया। चल गुंजन गया से, चल गया से। देख आखिरी बार बोल रहा हूँ, दूर रहो उससे, वरना तुझे ही नहीं उसे भी जान से मार डालूंगा। आई बात समझ, चल निकल। मुझे पता है तुम लोग उसे मारते पीटते हो, अंदर रूम में बंद करके रखा तुमने, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा मैं, चल निकल। सर वो लोग बहुत पुराने ख्यालों के लोग, वो लोग जात बिरादरी के नाम पर सर कुछ भी कर सकते। सर मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ही मेरी गुंजन को मारा। नवीन के बयान के मुताबिक ये मामला हॉनर किलिंग का है शिरके। सर मुझे लगता है कि हमें गुंजन की फैमिली से एक बार अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। नहीं शिरके, तुम एक बात भूल रहे हो। देखो गुंजन 4 दिन तक गायब थी, 4 दिन अलग अलग लोगों ने उसके ऊपर रेप किया और 4 दिन के बाद मारा। फैमिली ऐसा क्यों करे, वो तो उसी दिन मार देते। एक बाप अपनी ही बेटी को ड्रग देकर 4 अलग अलग लोगों से रेप क्यों करवाता? देखो शिरके मीना और गुंजन का केस सेम है, लेकिन मीना का गुंजन की फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं, इसका मतलब इसमें कोई और इन्वॉल्व है। पर हमें ये तभी पता चल सकता है जब हमें ये पता लगेगा कि गुंजन जिस ऑटो में गई थी जेम कॉलेज के पीछे, वो ऑटो किसका था। सर RTO से लिस्ट आ गई है। सर ऐसे 70 ऑटो हैं जो उस एरिया में रजिस्टर्ड हैं, मतलब हो सकता है कि 70 से 90 ऑटो उस रूट पर चलते होंगे। सर इनमें से ये एक ऑटो है जो उस वक्त वहाँ से गुजरा था, यहाँ पे गुंजन का फ़ोन भी स्विच ऑफ हुआ था, और सर इसके ड्राइवर की लोकेशन मर्डर स्पॉट से भी मैच करती है। क्या नाम है इस ड्राइवर का? सर राम ज्ञानी मिश्रा। लेके आओ उसको। चलो राम ज्ञानी मिश्रा, क्यों मारा लड़की को? सब हमने नहीं मारा साहब उस लड़की को, हम तो सिर्फ लड़की को उठा करके वो छोड़ने का काम करते थे। सर वापस झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब शुरू से बता कैसे उठाता था लड़की को? वो साहब हम रिक्शा चलाते हैं साहब, तो ए लैला मजनू क्या हो रहा है इधर? ये पब्लिक प्लेस है माहिती है ना, ये सब अलाउड नहीं इधर। सर बैठे थे हम लोग बस यहाँ पर। बैठे थे? मेरे को शिंडी लगाता है, तुम लोग में इसको बैठना बोलते करे? हाँ सर जा रहे हैं हम लोग। घर वाले का नंबर दे। सर जा रहे हैं ना सर। नंबर दे बोला ना। सर सॉरी सर। बाइक पे रहा है? हाँ सर। चल निकल। ए किधर ये लड़की? इधर रुक तू, वो अकेला जा रहे। लेकिन सर अकेला जा बोला ना, नहीं तो रास्ते में वापस लैला मजनू की नहीं करोगे तुम लोग। निकल चले निक। ए किधर रहती तू? जी सर पास में। किधर किधर किधर? ओ यमुना नगर। ए रिक्शा चल बैठो। ए रिक्शा ये लड़की को सीधा उसका घर पे छोड़ने का, बीच में इसका हीरो मिलने का कोशिश करेगा बाइक पे, मिलने देने का नहीं, क्या समझा ना? ठीक है सर। तो घर पे जाने का सीधा, समझा ना? चल अरे सिस्टर आपको बहुत टेंशन हो रहा है, एकदम देखिए पसीना पसीना हो गई है। ये लीजिए पानी पीजिए। उसके बाद में लड़की को बंगले पे ले जाता था। हाँ सर। हवलदार का नाम क्या है, कौन से चौकी का है? रमेश सिंधे है साहब, और वो नाथ ब्लॉक पुलिस चौकी के है साहब।
एक तो इलीगल सैंडविच का धंधा लगाता है, ऊपर से मेरा शहर नहीं देगा, पुलिस को क्या येड़ा समझा तूने? सर, येड़ा उसने नहीं, येड़ा तूने समझा पुलिस को। चल अभी तेरे ठीक होने का टाइम आ गया। साहब ये इलीगल सैंडविच का क्या लीगल है क्या इलीगल, वो केबिन में बैठ के बात करेंगे। चल सर। चल चल शिंदे, यहाँ ना चाह साहब ठोको से। हो गया हो क्या? चल अजून एक चम्मच साखर टाक लो। अरे एनर्जी आएगी तोते की तरह बोलने लगोगे। लो चाय लो। आ गई एनर्जी, बोलो। बुलवाना पड़ेगा शिरके, चलो इनका स्वागत करो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हो सर। सब 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 मारू का साहब, रिक्शा वाले मिश्रा ने जहां लड़की को छोड़ा था वहीं तुम्हारा मोबाइल लोकेशन मिला है। आदि कहानी उसने बताई, आगे वाले तुम बताओ। साहब वो रिक्शा वाला एकदम झूठा है साहब, उसको रूल तोड़ दे पकड़ा ना मैंने बहुत बार, इसलिए खुन्नस निकाला है साहब, फंसाने की कोशिश कर रहा है मेरे को। अरे पुलिस वाला है शिरके, सबूत मांगेगा वो। हाँ पाटिल मैडम सबूत लेके आओ। पहचाना? इसने पहचाना तेरे को? तू कबूल कर ना कर, मेरे लिए इतना सबूत काफी है। शिरके इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा चार्ज लगा, इसके घर वाले भी इसकी शक्ल भूल जाए। सब इसके ऊपर मैंने जबरदस्ती किया था सब, लेकिन मैं उसको बंगले पे नहीं लेके गया था साहब, ये लड़की मेरे को खुद बंगले में बेहोशी की हालत में मिली साहब। साहब ये काम मैं अपने लिए नहीं करता हूँ साहब, कुछ बड़े लोग हैं उनके लिए करता हूँ। पुत्रिया हलकट, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगी, तेरे को मार डालेगी, मार डालेगी तेरे को कुत्रिया, मार डालेगी मैं तेरे को। कैसा पुलिस वाला है रे तू? हाँ वो बेहोश थी, कैसे पहचानेगी तेरे को? मैंने अपना नाटक किया और तूने कबूल कर लिया। चल बता अब इसमें कौन कौन शामिल है वो बता। साहब वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं साहब, मैं उनके लिए लड़की सप्लाई करने का काम करता था। शिरके इसके बड़े और पैसे वाले लोगों को लेके आओ इधर। ठीक है सर। डिपार्टमेंट से नाव खराब करूं टाक ले तो। इंस्पेक्टर साहब इसके पहले कि आप मेरे क्लाइंट्स को परेशान करें मैं कुछ बताना चाहता हूं। एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स हैं इन चारों के, आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत या गवाह नहीं, ये चारों इनोसेंट है, आप इन्हें परेशान नहीं कर सकते। आपने इन्हें सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताया, ये नहीं बताया पुलिस सबूत कहां से भी ढूंढ के निकाल सकती। जल मिलेंगे सबूत के साथ, जाइए। शिरके सर इन चारों के कॉल डिटेल्स निकालो और 24 आवर्स इनके ऊपर निगरानी रखो। सर मुझे लगता है कि इस गुंजन मर्डर केस में ये चारों, वो ऑटो ड्राइवर मिश्रा, कांस्टेबल शिंदे और वो केयरटेकर जगदीश, इनमें से कोई एक इन्वॉल्व है। बस एक बार सबूत हाथ लग जाए सब पता चल जाएगा। मुझे भी जानना है कि गुंजन को मारने का और मीना को जिंदा छोड़ने का क्या मोटिव होगा उसका। सर इन चारों सस्पेक्ट्स के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से ये चारों बारी बारी में बंगले में आते थे, लेकिन सर ये देखिए इनमें से एक बंदा, इसकी लोकेशन मिश्रा ऑटो वाले की लोकेशन से मैच करती है। इसका मतलब ये है सर कि जिस दिन मर्डर हुआ ये बंगले में गया और उसके पीछे पीछे मिश्रा ऑटो वाला वहाँ गया। थोड़ी देर बाद मिश्रा वहाँ से निकला और सर वहाँ गया जहाँ गुंजन की डेड बॉडी मिली। थोड़ी देर के बाद मिश्रा वहाँ से भी निकल गया और सर ठीक 5 मिनट बाद इस बंदे का फोन एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर एक्टिव था। लेकिन मिश्रा ने हमसे बात क्यों छुपाई कि वो मर्डर वाली जगह गया था और मिश्रा के पीछे ये गया? हमारा टारगेट यही है, लेट्स गो। आप यहां? ये घर आपका नहीं है जी? नहीं, ये घर मेरे छोटे भाई अजीत का है।
कल उसने गुंजन की आत्मा की शांति के लिए हवन रखा था, इसलिए आए थे। पर आप लोग यहाँ? हमने अजीत की आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है, बुलाएंगे उसे? कौन है भाई साहब? मैं हूँ केलकर गुरुजी। चले पुलिस स्टेशन, आपकी आत्मा की शांति के लिए हवन रखा है। चलो शुरू करो। सर वो हम चार दोस्तों का एक ग्रुप है, हमने क्लब बनाया हुआ है, उसमें हवलदार शिंदे हमें लड़कियां सप्लाई करता था। जब भी उसे कोई लड़की मिल जाती थी तो वो हमें मैसेज करता था कि बटरफ्लाई हैज अराइव्ड। फिर हम चारों दोस्त मिलकर उस लड़की के लिए बोली लगाते थे। जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था वो सबसे पहले उस लड़की के साथ मज़े लेता था, और जो सबसे कम बोली लगाता था उसका नंबर सबसे बाद में। तुम्हें वो लड़कियाँ वो ऑटो ड्राइवर मिश्रा सप्लाई करता था? सर वो लड़कियों को बंगले पे छोड़ जाता था, फिर हम उसे डॉक्टर हरीश की दी हुई ड्रग देते थे, उसे वो लड़की बेहोश हो जाती थी, और जब उसे होश आता था तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। सर इस बार मेरी बोली सबसे कम थी, इसलिए मेरा नंबर चौथे दिन ही आया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे शिंदे ने तो कहा था लड़की है, पर ये तो औरत है। चलो कोई बात नहीं। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। कोई है? चाचा गुंजन, चाचा चाचा, तुमने अपने भतीजी के साथ वही किया जो उन तीनों ने किया? नहीं नहीं सर, वो मेरी भतीजी थी, मेरी बेटी जैसी। अरे फिर तेरे बेटी जैसी भतीजी को इंजेक्शन क्यों दिया? सर, उसने मुझे पहचान लिया था और मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में किसी को बता ना दे। फिर मैंने ऑटो वाले मिश्रा को बुलाया और उसे कहा कि गुंजन को जंगल में कहीं छोड़ आए। तू मर्डर केस में तो अंदर जाएगा। एक बात बता, तुझे बोली लगाता था 40,000, 60,000, ये पैसा जाता कहाँ था? तुम्हारा बॉस कौन है? सर हमारा कोई बॉस नहीं है, हमारा ये सारा पैसा केयर टेकर जगदीश को जाता था। नजर रखना, मैं आता हूँ। शिरके सर, इसके तीनों साथियों को जेल में डालो, और वो जगदीश किसी भी हालत में मुझे याद चाहिए। ठीक है सर। सब 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 बताता हूँ सर, मेरा सेठ दुबई में रहता है, 2-4 साल में एक बार ही आता है। मैंने सोचा सर इसका फायदा उठाओ और पैसे कमा लो। तुम्हारे इस पैसों की लालच के वजह से कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई पता है तुम्हें? अब सड़ो जिंदगी भर जेल में, बहुत बुरा लग रहा है। आजकल अपने सोसाइटी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जानवर और इंसान में का फासला कम होते जा रहा है। इन चार लोगों ने अपने मजे के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। ऑटो वाला मिश्रा, हवालदार शिंदे और जगदीश भी उसमें शामिल था। जगदीश अपना बंगला इन घिनौनी हरकतों के लिए भाड़े पे देता था और अच्छे पैसे लेता था। इस केस में दस्तक विक्टिम के लिए नहीं थी, दस्तक उन लोगों के लिए थी जिनके मन में ऐसी घिनौनी इच्छा है और जो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने दस्तक नहीं सुनी और उसका नतीजा आपके सामने। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।